हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड टुडे स्कूप। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान क्यों श्रीलंका की तरह बैंकरप्ट नहीं होगा या बर्बाद नहीं होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आपको पहले से ही पता है कि माली हालत उसकी ठीक नहीं है, बट कोरोना और रशिया यूक्रेन के युद्ध ने उसे बैंकरप्सी के द्वार पर खड़ा कर दिया है। आप उसकी माली हालत इस क्लिप से समझ सकते हैं। मैं ये भी कौन से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। आखिर ये मिनिस्टर ऐसा क्यों बोल रहे थे? क्या आपको पता है पाकिस्तान हर साल करीब 600 मिलियन डॉलर की चाय इंपोर्ट कर लेता है, जिसके कारण इसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि पिछले साल अगस्त में 2021 में 20 बिलियन डॉलर था, वो इस साल लगभग आधा हो गया है। जुलाई 2022 के बिगनिंग में इसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 बिलियन डॉलर से भी कम रह गया है। बढ़ती हुई तेल की कीमतें और महंगाई ने पाकिस्तान के इम्पोर्ट बिल को 80 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया है, जिससे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों के इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिसमें कार भी शामिल है। बढ़ती हुई महंगाई के चलते काफी देशों की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा है, और जिन देशों की इकोनॉमी पहले से ही वीक है, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, उनकी करेंसीज में काफी बड़ा डिक्लाइन देखा गया है। पाकिस्तानी रूपी, जो कि पहले एक डॉलर में 154 रुपए थी, वो इस साल घटकर 222 रुपए के करीब पहुंच गई है, जो कि 43% का डिप्रिसिएशन है। पाकिस्तान में विदेशी कर्ज इतना बढ़ गया है कि उस कर्ज के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। मार्च 2022 में पाकिस्तान ने 128 बिलियन डॉलर का लोन, यानी कि 12,800 करोड़ रुपए का लोन और लिया है, और वो भी बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर। पाकिस्तान में महंगाई की दर 14% पहुंच गई है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 250 रुपए के करीब है। अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि आखिर पाकिस्तान की इकोनॉमी श्रीलंका की इकोनॉमी की तरह बर्बाद क्यों नहीं होगी। जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान और श्रीलंका की क्राइसिस सिमिलर ही है, फिर भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को श्रीलंका की तरह कोलैप्स होने से बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की ये हालत अचानक ही हो गई है। पाकिस्तान कई बार कई देशों से लोन लेता रहा है। पाकिस्तान के अमेरिका से अच्छे रिश्तों के कारण पाकिस्तान ने IMF से भी कई बार लोन लिया है। आपको बता दें कि पिछले 30 सालों में पाकिस्तान ने करीब 22 बार IMF से लोन लिया है। USA ने श्रीलंका की कोई मदद नहीं की है, बट USA ने यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को बहुत बहुत ही ज्यादा राहत पैकेज दिए हैं और लड़ने के लिए सहायता दी है। पाकिस्तान क्योंकि न्यूक्लियर ताकत से लैस देश है, जिससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में चिंता है टेररिस्ट ग्रुप के हाथों ये परमाणु हथियार लग न जाए, इस चिंता के कारण पाकिस्तान को कई देश लोन देने में ढील कर दे रहे हैं। पाकिस्तान को फिर से IMF से बेलआउट मिला है। हाँ, ये बेलआउट कई ज्यादा कंडीशंस पर डिपेंड करता है, जिसमें कि काफी कंडीशंस उसके पॉलिसी या फिर वहां तेल की कीमतों, महंगाई दर, काफी चीजों को इफेक्ट करती है। पाकिस्तान के कई ज्यादा फ्रेंड्स भी हैं, जो कि आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया, UAE, इन्होंने भी पास्ट में कई बार पाकिस्तान की काफी बढ़ चढ़कर मदद की है, काफी सस्ते दरों पर लोन दे दिया है। तो पाकिस्तान की श्रीलंका जैसी हालत इसलिए भी नहीं हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु लैश देश है, और पाकिस्तान के काफी अच्छे रिश्ते अमेरिका और बाकी देशों से भी रहे हैं। हाँ, अभी बीते कुछ सालों में पाकिस्तान के अमेरिका से रिश्ते खराब हुए हैं, मगर इस नई सरकार के आने के बाद शायद पाकिस्तान के अमेरिका से रिश्ते फिर से सुधर जाएं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।